6000 मर्तबा बिस्मिल्ला और दो मर्तबा विद मुबीन था जी, और 6000 मर्तबा बिस्मिल्ला और या लतीफो 6000 दफा था। तो जी बोले, बेटे का मसला था, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। कहाँ पे? तो एडमिशन के लिए आपने मुझे ये बताया था, तो मैंने ये सुना है। उसी वक्त आपने कहा था कि आप बैठ जाओ सुन लो तो हो जाएगा, तो मैंने सुना और मेरे बेटे का दूसरे दिन गया है तो यूनि से उसको लेटर मिल गया, उसका एडमिशन तो हो गया। लेकिन दूसरे दिन मुझे ना 30,000 फीस पे करनी थी और उसका मेरे पास कोई इंतजाम नहीं था। यस, मुझे याद है जी, बोले। ठीक है, तो फिर आपको, मैं आपसे मेरी बात हुई तो आपने कहा कि आप अभी 6000 मर्तबा या लतीफो सुनो। तो मैंने मतलब 20 मिनट ही हुए थे, पूरे भी नहीं हुए थे, मैं सुन ही रही, तो फौरन कॉल्स आने लग गई। तो फिर बेटे ने बताया मम्मा पैसों का इंतजाम हो गया है। वो भी मैं वजीफा कर रहा था, तो मैं बता दूं कि हुआ क्या था, कैसे हुआ। ये पढ़ रही थी, मैं भी वजीफा कर रहा था, ये लाइन ग्रुप कॉलिंग में जो है ना, क्योंकि ग्रुप कॉलिंग जब होती है अब तो आई एम कनेक्टेड इन इट, तो ये मसला वहाँ पे, तो मैं वजीफे के बीच में था। मैंने कहा ये मेरे हाथ का गेम है, आई कैन डू इट, तो मैं वजीफे के अंदर बोल पड़ा। अमूमन मैं बोलता नहीं हूँ, तो मैं बोल पड़ा, मैंने कहा ये करो अभी अभी, तो अभी इन्होंने शुरू ही किया था तो मुझे आवाज़ आ गई पैसों का बंदोबस्त हो गया, उसको बोल फ़ोन उठा। तो फिर मैंने इनको डायल किया तो इन्होंने वजीफा तोड़ के फ़ोन उठाया, मैंने कहा फ़ोन उठाओ पैसे का हो गया है बंदोबस्त, याद है ना, ऐसे ही हुआ जी ऐसे ही। और फिर आपने बताया आपकी बेटी की मिस कॉल थी कि वो पैसे का बंदोबस्त वो दे रही है, गुड है।